हेलो फ्रेंड्स, सॉरी शिवलोम का स्वागत है। मौसम तो भाई रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इतना बारिश हो रहा है, क्या बताएं आप लोगों को। और नुकसान भी बहुत हो रहा है, कितना लोगों को नुकसान भी हो गया है। और रात में इतना हवा चला था ना कि यहाँ से पेड़ टूट के गिर गया था भाई। आप लोग दिखाता हूँ, यहाँ से पेड़ टूट के गिरा था, ये यहाँ पे ऐसे खड़ा था। तो आदमी देखो वो सामने वो दिख रहा ना, उठा के फेंक दिया आदमी किसी ने, सुबह मैं देखा था गिरा था। तो इसीलिए हम लोग गाड़ी वोड़ी हवा हुआ होता है ना उसके लिए खड़ा करते हैं, मालूम होता है ये बहुत नाजुक होता है, टूट गिर होता है। बाकी आप लोग देख सकते हो क्या चीज़ का पेड़ है। और नुकसान की बात करूँ तो भाई बहुत लोगों का नुकसान हो चुका है, बरसीम में देखा था भीजा हुआ, ऐसे लोग बंडल बना बना के निकाल के फेंक रहे थे ताकि मजरा ना खराब हो जाए, तो ऐसा भी हाल हुआ है। और हमारा तो सिर्फ वो क्या नाम है, वो सामने दिख रहा है ना, वो सामने दिख रहा है, ये देखो ये ख़राब हुआ है बस। और उधर गेहूँ है वो ख़राब हुआ है, तो वो हमारा कपिल का तो नहीं है, ठीक है। हमारा कपिल का कुछ नुकसान नहीं हुआ है, बस नुकसान होएगा आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाऊंगा क्या होगा। तो हमारे साथ बने रहिए ब्लॉग वीडियो के साथ, और भी कुछ चीज़ें आप लोगों को दिखाता हूँ। बस अब की पारी बहुत नुकसान हुआ है भाई, बारिश भी अभी भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है, ठीक है, खुलने का नाम नहीं ले रहा। दो दिन थोड़ा सा खुला ना, बस अगल बगल और भी मजरा कट गया। लोग होशियार ही किए कि काट के बेचेंगे ना, अभी रेट अच्छा बिकेगा बारिश की वजह से, लेकिन भेज के सारा ख़राब हो गया। अभी देख रहे हो ये देव, ये है क्या चीज़ का है पेड़, ये अनार का पेड़ है। हाँ देखिए कितना बढ़िया अभी फूल फल फेंक दिया है, बाकी ये पता नहीं क्या चीज़ का है। और भी सामने देखो अनार का भी है, उधर वो देखो आप लोग बैर का पेड़ है, इधर भी दिखाई दूँ, इधर भी बैर का पेड़ है सामने, और उधर वो नींबू अनार भी है, नींबुआ भी है, उधर फिर नींबुआ है। और ये हमें सुबह से परेशान कर रहा है भाई साहब, पता नहीं इसको क्या टेंशन है, ठीक है। और भी आप लोगों को जो चीज़ें हैं, ये पीछे रूम के पीछे का है भाई, ठीक है, ये सब पीछे का है, देख रहे हो एसी, वो सामने वाला एसी सब निकाल के इधर रखा हुआ है, खराब इसका कंप्रेसर ख़राब हो गया, बाकी पीछे का ये कुछ ऐसे। और इधर दिखाऊं तो देखो वो घेवड़ा भी बो रखे हैं इधर, और भी कुछ चीज़ें लगा रखा था, वो नींबू, ये नींबू छोटा वाला देसी नींबू है ना, बहुत अच्छा लगता है। और देखो सुबह सुबह आदमी देखो ऊँट खोल दिया है उधर, और उधर वो देखो सामने बकरी। मेरा टाइम तो बस इन लोगों में निकल जाता है, देख रहे हो ये भी पीछे पीछे घूम रहा है, ठीक है, और एक ये घूम रहा है और एक इधर बैठा है। मैं इसको लेके आने वाला नहीं था, बस लेके आ गया कि चलो बोर होएगा क्या फायदा है, लेके चलते हैं। अभी देखो मौसम ऐसे लग रहा है जैसे निकल रहा है, बारिश भी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोगों को दिखाऊं ये बारिश की वजह से देखो कितना लेट हो रखा है ना, तो ये सब लेट हो रहा भाई। अभी तक हमारा कपिल का ये अभी तक काटा ही नहीं है, सिर्फ बारिश की वजह से, ठीक है। अभी देखो चारों तरफ हवा हरा हरा दिखाई देता होगा, वो सामने काटा था, बस बढ़िया से बारिश हो जाएगा तो उसका नुकसान हो जाएगा, वो सामने कटाया था जिसका मैंने रखा बना के आया था, ठीक है। इसको मैं लेके आ जाता हूँ कि ये बोर ना हो, ठीक है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल काम होता है बारिश में ऊँट और बकरियाँ, खजूर का तो मुश्किल नहीं है, बारिश हो रहा है तो छोड़ो आज नहीं करेंगे कल कर लेंगे, लेकिन ऊँट और बकरी में ऐसा नहीं है, ऊँट बकरी वाला लोगों को परेशानी बहुत होती है, ठीक है। सऊदी लोग सुबह ही आ जाते हैं, जिस दिन बारिश होएगा उस दिन और जल्दी आ जाते हैं, आदमी को इधर से इधर इधर से इधर इधर से इधर परेशान करेंगे, ठीक है। देख रहे हो ये हमारा बिलार भी इसी में घूम रहा है, ये पहले ये पालता था, ठीक है, अभी साथ में घूम रहा है। बस अभी मैं इसको रख लिया हूँ तो मैं इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है। तो चलते हैं और आगे आपको दिखाते हैं फिर बताएंगे। ये पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरे साथ भाई, ठीक है, ये पता नहीं कहाँ जा रहा है, इसका तो मैं ख्याल कर लूँगा, बस इसका कैसे क्या करूँगा भाई अगर बारिश आ जाए तो। मैं थोड़ा और आगे जा रहा हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ इधर बरसीम कितना लेट हुआ है, आप लोगों को दिखाता हूँ थोड़ा और आगे चलिए। ये देख रहे हो इसको मैं छोड़ा हूँ तो देखो कितना उड़ रहा है, ठीक है, ऐसे मैं छोड़ता हूँ ना तो ये बहुत उड़ता है। अभी देखो यही आएगा हमारे पास ही आएगा, ये देखो वो उतर गया, ठीक है। तो
और अभी वो आएगा, मैं इसको ले आकर ना इधर छोड़ता हूँ, बहुत उड़ता है बहुत। बस अभी बिल्ली भी साथ में घूम रही है, तो जब तक मैं रहता हूँ वो बिल्ली भी नहीं छूटी है, क्योंकि बहुत बार डपट दिया हूँ। अभी देखो वो आएगा, देखो फिर उड़ना शुरू कर दिया है। आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है, ये देखो ये बहुत उड़ता है भाई। वो देखो वो जो है वो गया, देखो कितना दूर गया, नज़र आ रहा है आपको? ठीक है, ये देखो ये आ रहा है, ये आ गया, देखो ये आ गया, यही उतरेगा इस, ये अभी भी नहीं उतरा भाई। वो देखो वो जा रहा है, ये बहुत उड़ता है जब मैं इसको छोड़ता हूँ। ठीक है, देखो वो जाके वो बैठ गया ऊपर, आप लोगों को दिखाई दिया, वो ऊपर बैठ गया जाके। ठीक है, तो मैं आप लोगों को दिखाने और बताने के लिए ये लाया हूँ। ठीक है, ये बरसीम है, और लेट की वजह से ना, जब थोड़ा लेट होता है तो आप लोग देखो ये फूल फेंक दिया ना, ये फूल फेंक दिया। ठीक है, और ये देखो कलर भी बहुत अच्छा हुआ है, सिर्फ बारिश की वजह से, ये बारिश की वजह से बहुत अच्छा हुआ है। ठीक है, और इससे ज़्यादा लेट करेंगे ना तो इसका पत्ता गिरना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बारिश की वजह से तो अब लेट तो होएगा ही, बारिश की वजह से नहीं काट रहा है। देखो बारिश जब खुलेगा तो काटेंगे, और आज बस रोजा है। ठीक है, कल तो ईद है इंशाल्लाह, अभी शाम को मालूम चलेगा। तो ये सब मजरे का हाल है भाई, बहुत आदमी का नुकसान हो गया। और काम सबसे ज़्यादा मुश्किल अभी के टाइम पे बताऊँ तो ऊँट बकरी वाला लोग का मुश्किल ज़्यादा होता है। ठीक है, बारिश में, क्योंकि वो लोग को और कोई काम है ना, थोड़ा रोक दोगे कोई मुश्किल नहीं, आज नहीं होगा कल होगा। लेकिन ऊँट बकरियों का तो आप लोगों को मालूम है, घास पानी चारा चाहिए ही चाहिए, और पानी की वजह से कितना नुकसान हो जाता है वो भी आप लोगों को मालूम है। तो आइए आपको वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।